बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनाब आज हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में आने की वजह यह है कि हमारा माशाल्लाह नया मेहमान आने वाला है, बेटी या बेटा जो भी हो। दुआ है मेरी अल्लाह ताला मेरी मिसिस को और बच्चे को दोनों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आपको दिखाते हैं जी कमरा, जो हमें कमरा मिला है ये कमरा, ये दो बेड लगे हुए हैं इसमें, और ये बैठने की जगह है। एसी भी लगा हुआ है, दरवाज़े अभी अभी इसके मुरम्मत हुए हैं, मेरे ख्याल में सीमेंट लगा हुआ है। और ये वॉशरूम है, क्या कर रहे हो हैं? इसने हमें बहुत तंग किया हुआ है जी कमरे में, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, इसकी वजह से हमें दरवाज़ा जो है वो बंद करना पड़ा है, बाहर भाग जाता है। उस्मान बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, बेबी बेबी चाहिए। अच्छा बेबी ले आए, ले आए हैं, ले आऊँ? चल हैं, मानू को भी ले आऊँ? चलो ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो, 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 कहाँ जा रहे हो? गिर जाओगे, शरारतें नहीं करते, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ जी जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें एक प्यारा सा बेटा अता किया है माशाल्लाह। तो मिसेज मेरी भी ठीक हैं, अब बेटा भी ठीक है माशाल्लाह, दोनों ठीक हैं। उस्मान और महनूर का भैया आया है, हाँ जी, कैसा लगा भैया तुम्हारा? अच्छा लगा। अच्छा है, हाँ जी, अच्छा है, प्यारा है, प्यारा है, प्यारा है। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ल आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। इसका इंतजार था, ये देंगे तो आप, मैं सिर्फ चले जी आप भी ले लें। मानो देखो भैया, मानो भी देखो भैया, माशाल्लाह मानूर और उस्मान का भैया आ गया। ये उस्मान ये कौन है, कौन है ये, कौन है ओए, तुम अभी से टांगे मारोगे इसको? नहीं